हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक में भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक्सक्यूटिव्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। 1036 टोटल पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। 20 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता आपकी इसमें ग्रेजुएट पास मांगी गई है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। अब चलते हैं रोजगार इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां जाकर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम रोजगार इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस साइट का लिंक हम लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे सीधा इस पेज पर आ जाओगे। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन पर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन आपको कर लेना है। ऑलरेडी जो मैं पहले ही नंबर आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा, आईडीआई बैंक ऑनलाइन फॉर्म, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपसे न्यू पेज ओपन के आ जाएगा। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई, एक बार आप इसे रीड जरूर से कीजिएगा। आईडीबीआई बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक्सक्यूटिव के लिए भर्ती है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट है। एप्लीकेशन फीस बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी वालों के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। फीस आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। जो आपके आवेदन हैं वो 24 मई से स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट देख सकते हैं 7 जून 2023 को उनकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप इसमें आवेदन जरूर से कर दीजिएगा। सीबीडी का जो एग्जाम आपका होने वाला है वो देख सकते हैं 2 जुलाई उसकी डेट है और आपके एडमिट कार्ड एग्जाम से बिफोर आ जाएंगे। 20 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एज में रिडक्शन आपको दिया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज में रिडक्शन है। आगे नोटिफिकेशन आपको बताएंगे। एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, 1036 पोस्ट आपके इसमें निकाली गई है। बैचलर्स डिग्री आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है। वैकेंसी आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड की गई है, देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 451 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 103 है, ओबीसी के लिए 255, एससी के लिए 160 और एसटी के लिए यहाँ पर 67 पोस्ट निकाली गई है। अब आ जाते हैं सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स पर। लिंक्स में गाइस देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको देखने को मिला होगा, रजिस्टर एंड लॉग इन। सेकेंड नंबर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देख सकते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। ये पोस्ट आपके दिखाई गई हैं जिसके बारे में आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये वो पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। एक बार आप इसे रीड भी जरूर से कर लीजिएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड जरूर से कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ऑनलाइन आपको इसमें आवेदन करना है। 24 मई से लेके 7 जून तक आवेदन आपके चलने वाले हैं, तो जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। लास्ट डेट पर क्या होता है, साइट थोड़ी बिजी हो जाती है, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, फॉर्म रह जाता है, तो ये आपके सामने परेशानी ना आए तो इसके लिए आप लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए पहले ही फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। फिर मिले किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। ऐसे ही चैनल बने रहिए, प्यार देते रहिए, हम आपके लिए नई नई रोजगार की वीडियो लाते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक जरूर से कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें।